नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, यूपी ट्रिपल एससी यानी राजस्व विभाग या लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, जिन लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, ये जो खबर आई हुई बिल्कुल लेटेस्ट है और मैं आपको ये हिंदुस्तान लाइव से खबर दे रहा हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये खुशी का मौका है। और इसमें लेखपाल की भी भर्ती होने वाली है, राजस्व निरीक्षक की भी, वरिष्ठ सहायक की भी, कनिष्ठ सहायक की भी, और 6 माह में नियुक्ति होगी। योगी आदित्यनाथ जी का ये बहुत बड़ा फैसला है, उत्तर प्रदेश योगी सरकार जी का। आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी भी दी जा सकती है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, तब तक आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं ये हिंदुस्तान जॉब में उड़ती हुई खबर हिंदुस्तान लाइव से आई हुई है और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 23 सितंबर 2020 8:09 यानी रात्रि में आई हुई है, जो मैं आपको मॉर्निंग में 8:26 पे सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजस्व विभाग में खाली पड़े 8,249 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। 6 माह में नियुक्ति पत्र, तो दोस्तों आपको 6 माह में नियुक्ति पत्र भी मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि यहाँ अभी तक रेलवे एग्ज़ाम को आप लेकर देखेंगे कि उसमें भी लगभग 1 साल 1.5 साल 2 साल निकल गया, सारी भर्तियाँ जितनी भी हैं उसमें पेंडिंग हो जा रही हैं 49,568 वैकेंसी में भी। लेकिन इसमें देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा फैसला है, उन्होंने कहा है कि 6 माह के अंदर आपको नियुक्ति भी पत्र दी जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को राजस्व विभाग में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे की 10% की सीटें निर्धारित होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, जिसमें कोरोना काल में युवाओं को किसी तरह की असुविधा न हो पाए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आवेदन के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों की जो है नौकरी दी जा सकेगी। भर्ती को लेकर तैयारी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए तैयारियां जो है तेजी कर दी हैं। जिन विभागों से पहले प्रस्ताव आए थे उनका परीक्षण शुरू कर दिया गया है। आयोग पदवार भर्ती संबंधी विज्ञापन निकलने पर विचार कर रहा था, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, लेखपाल में जो है 7,019 वैकेंसी होने वाली हैं और राजस्व विभाग में 1,073, वरिष्ठ में 53 और कनिष्ठ सहायक में 104 है। तो कैसे दिखेगा आप लोगों को एडवर्टीजमेंट, यानी ऑनलाइन दिखेगा, देखिए कैसे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। नौकरी की चाहत रखने वाले लोग वेबसाइट देखकर अपनी योग्यता के आधार पर भर्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही दैनिक अखबारों में भी आप लोग को इसका क्या एडवर्टीजमेंट मिलेगा। कैसे करना होगा आवेदन, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर आपको जाना होगा, वहाँ ऑनलाइन आवेदन करना होगा, शुल्क जमा करना होगा, चालान प्राप्त करना होगा, उसके बाद आप लोग का ये जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। त्रुटि ठीक करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हो तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसी भी त्रुटि को ठीक करने का मौका भी दिया जाएगा। आयोग समय समय पर वेबसाइट पर इसके संबंध में जानकारी भी देता रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।